तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दिनांक 10 मार्च 2024 में टाटा ब्लू स्कोप स्टील के क्या प्राइस पड़ेंगे, साइज क्या होते हैं, थिकनेस कितनी होगी और कौन कौन से कलर में हमारी ये प्रोफाइल सीट आती है। फुली डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी, धोखे से कैसे बचेंगे आप इसके बारे में भी फुली डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, मेरा नाम है अमन, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर तहसील नादौन से। तो आपको इस वीडियो के अंदर फुली डिटेल जानकारी देने वाला हूँ बेस्ट रूफिंग सीट टाटा ब्लू स्कोप स्टील के बारे में। तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से कलर में हमारे पास ये प्रोफाइल सीट आती है और साइज कितने होते हैं, थिकनेस कितनी होनी चाहिए और सीट इंस्टॉल करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्रोफाइल सीट है वो लंबे समय तक साफ सुथरी और इसको जंग ना लगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी, स्क्रू कहाँ लगाए जाएंगे, फुली डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी। यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सीट के कलर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट कलर जो है वो स्मार्ट ग्रे कलर है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार कलर है दोस्तों, आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने घर के ऊपर और ये कलर जो है वो आपकी आंखों को नहीं चुभेगा क्योंकि ये कलर जो है लाइट कलर है। जैसे डार्क कलर जो होता है रेड हो गया, ये बहुत ही कंट्रास्ट भरा कलर होता है और ये कलर जो है बिल्कुल लाइट कलर है। तो जो लोग इस कलर को पसंद करते हैं वो अपने घर के ऊपर इस सीट को इंस्टॉल करवा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेटेस्ट कलर है। तो दोस्तों, अगर हम सोचेंगे हमने रेड कलर का सीट इंस्टॉल करवाया है, ग्रीन का करवाया है और इसका प्राइस अलग होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी सीटों के कलर जो हैं वो सेम है। अगर आप गैलेक्सी कलर में लेते हैं तो भी सेम कलर रहेगा, बट जो स्पार्कल कलर है वो नॉर्मल प्रोफाइल सीट से 80 रुपये महंगा रहेगा। तो ये सीट जो है हमारी वो 12 फुट लंबी और 3.5 फीट इसकी चौड़ाई आती है, देख सकते हैं आप लोग 3.5 फीट चौड़ी होती है और लंबाई जो है 8 फीट से लेकर 24 फीट तक आपको मिल जाएगी। बात की जाए इसके वजन की तो 15 किलो 300 ग्राम इस सीट का वजन रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद आती है बारी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पैशन रेड कलर है टाटा ब्लू स्कोप स्टील, लंबाई इस सीट की 10 फीट, चौड़ाई 3.5 फीट और रेट के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। यदि जो भाई वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं, रेट के बारे में जानना चाहते हैं, वो वीडियो के एंड में जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है हमारे पास ग्रीन कलर। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे ये देख सकते हैं स्पेशली कंपनी ने हमें गाइड करके रखा हुआ है, जो वार्निंग दी है, रिमूव द गार्ड फिल्म इमिडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सीट। सीट लगाने के पश्चात आप लोगों ने इस लेमिनेशन पेपर को तुरंत निकाल देना है। ये इस पेपर का काम तब तक है जब तक हम, ये देख सकते हैं ये सीटें रखी हुई हैं, यहाँ पे डस्ट ना पड़े इन सीटों के ऊपर और स्क्रैच ना लगे, तब तक के लिए इस लैमिनेशन पेपर का काम है। और जब हम अपने घर तक इस सीट को ले जाते हैं इंस्टॉल करने से पहले इस लैमिनेशन पेपर को निकाल देना है। तो दोस्तों, इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप लोग इस लैमिनेशन पेपर को नहीं निकालते हैं तो आपकी जो सीट है उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और इसके बाद बात आती है अगले नेक्स्ट कलर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन कलर है ब्लू कलर। तो देख सकते हैं ये सीट जो है वो हाई स्ट्रेंथ, बेटर परफॉर्मेंस और कूलर इनसाइड के साथ आती है। तो आप लोग बेस्ट रूफिंग सीट के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे बेस्ट रूफिंग सीट जो है टाटा ब्लू स्कोप स्टील देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीट को लगाने से पहले आप लोगों ने जो इसकी जो ये लैमिनेशन पेपर है वो निकाल देना है और सीट इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों ने जो स्क्रू इंस्टॉल करने हैं सीट लगाने के लिए वो प्रत्येक नाली के ऊपर लगाने हैं। इस भाग के ऊपर आपने स्क्रू इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ से पानी की निकासी होती है और अगर हम स्क्रू अगर यदि यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो उसको करोजन लग जाता है और हमारे स्क्रू जो है वो ख़राब हो जाते हैं और लीकेज की समस्या जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्क्रू हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर इंस्टॉल करने हैं जहाँ पर हमारे ये गोले हैं, गोलों के ऊपर ही स्क्रू इंस्टॉल किए जाते हैं और जो सीट का निचला भाग होता है उस पॉइंट के सभी नालियों में स्क्रू लगाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी आ गई हमारे पास फिर से ग्रीन कलर, बहुत ही बेहतरीन कलर है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, नई चीज़ यहाँ पे देखिए, धोखे से आप लोग दूर रहेंगे अगर आप लोग इस चीज़ को
देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी ने बार कोड स्कैनर दिया हुआ है, इसके द्वारा आप प्रोडक्ट की फुली डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कंपनी की साइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि इस शीट को बनाने के लिए कौन सी कॉइल यूज़ की गई है, मटेरियल कौन सा लगाया गया है, और फुली डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। इस साइट के ऊपर जाके बार कोड को स्कैनर करें और जाएं इसके ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, सारे कलर मैंने आपको दिखा दिए हैं, बस एक कलर बचा हुआ है हमारे पास, मेटालिक ग्रीन, पर्ल ग्रीन कलर आप बोल जाता है जिसको। ये कलर बहुत ही बेस्ट कलर है दोस्तों, यदि आप इस कलर को अपने घर के ऊपर लगवाते हैं तो ये कलर जो है वो 3-4 शेड जो है वो छोड़ता है, कलर अपना बदलता है, तो बहुत ही बेहतरीन कलर है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ले चलता हूँ आपको उस कलर के पास, यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ देखिए। तो गाइज फाइनली देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी पर्ल ग्रीन कलर की प्रोफाइल शीट है। इसकी हाइट की बात की जाए तो लंबाई इसकी 8 फीट है, चौड़ाई 3.5 फीट है। तो टाटा ड्यूरासैन ब्लू स्कोप स्टील 0.47 mm के साथ ये सीट आती है, और देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग कंपनी ने सेम ऐसे ही दी रखी है, रिमूव द गार्ड फिल्म इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सीट। और ये सीट जो है वो हाई स्ट्रेंथ, बेटर परफॉर्मेंस और कूलर इनसाइड के साथ आती है। और इसके साइज की बात की जाए तो इसकी लंबाई 8 फीट है, चौड़ाई 3.5 फीट है, और थिकनेस की बात की जाए तो 0.47 mm। तो दोस्तों धूप में आप इस कलर को देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, शाम में अलग दिखेगा, और सुबह सुबह इसका कलर जो है बिल्कुल अलग दिखेगा, रात के टाइम देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रूफ टाइल के बारे में, तो यहाँ पे रूफ टाइल सीट भी है गैलेक्सी ब्लैक कलर में, तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। इसकी इंस्टॉलेशन जो की जाती है, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो पर्लिन का साइज़ रखा जाता है वो 18 इंच का गैप रखा जाता है, पर्लिन टू पर्लिन। जो हम ऑर्डिनरी रूफिंग सीट इंस्टॉल करते हैं उसके लिए 3.5 फीट का गैप रखा जाता है, पर्लिन टू पर्लिन, और इस सीट को इंस्टॉल करने के लिए 18 इंच का गैप रखा जाता है। तो दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो लेबर कॉस्ट भी थोड़ी सी महंगी होती है नॉर्मली ऑर्डिनरी सीट से, तो देख सकते हैं इसमें वेस्टेज थोड़ी सी ज़्यादा निकलती है। अगर जो फैब्रिकेटर है वो सही से काम करेगा तो इसकी वेस्टेज बहुत कम निकलेगी, अगर जो कोई इस सीट को इंस्टॉल नहीं किया है कभी तो वो करेगा तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो ध्यान में रखना है जब भी आप इस सीट को इंस्टॉल करवाएँ तो अच्छे फैब्रिकेटर का चुनाव करें, जिससे ये होगा कि आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी जो प्रोफाइल सीट वो अच्छे से फिक्स होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जीसी सीट की, यहाँ पे देख सकते हैं नालीदार चादर, इसकी लंबाई 8 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट। तो इसके रेट के मैं बारे में बताऊंगा, इसका जो रेट है दोस्तों 12 फीट लंबी 0.40 mm में ये सीट आपको मिलेगी 1350 रुपए की। अगर आप 0.45 में ये सीट लेना चाहते हैं तो 1650 रुपये की आपको ये सीट मिलेगी। तो दोस्तों फुली डिटेल आपको जानकारी मैंने दे दी है अपने इस वीडियो में, और यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट सीट्स भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो कि हम अपने आंगन में जो शेड बनाते हैं तो वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो इनके प्राइस भी 35 रुपी से लेके 65 रुपी तक यहाँ पे हैं। जो भाई रेट के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग अपने सवाल साझा करें। हम लोग डेली रात 8:30 बजे अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव आते हैं, वहाँ पे आप लोग हमारे साथ सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी आपका मन में सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के लाइव सेशन में जुड़ें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें, और यदि आप लोग हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हुए हों तो फीडबैक जरूर दें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और दोस्तों कहां से आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हमारे सहयोगी कुमार गौरव जी जो कि वीडियो शूट कर रहे थे, तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और अभी हम हैं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर तहसील नदौन के शर्मा एंटरप्राइजेस में, तो इनका मोबाइल नंबर है 9418032218। तो देख सकते हैं आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट वही लोग करिएगा जो हिमाचल के हैं, अनदर इनको कॉल ना करिएगा। उनके लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको तंग नहीं करना है, सिर्फ हिमाचल के जो पर्सन हैं वही लोग इनसे कॉन्टैक्ट करें। तो इनका मोबाइल नंबर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 9418032218। तो देख दो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।